हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अतुल कुमार शर्मा में। संविदा शिक्षक से जुड़ी जानकारी हो, अतिथि शिक्षक से जुड़ी जानकारी हो, पाठ्यक्रम में कुछ बदलाव हो, मैं अक्सर आपके पास नए नए वीडियो लाता रहता हूं, जिससे कि आप सूचनाओं से अपडेट रहें और सूचनाओं के अभाव में आप फॉर्म फिल करने से या किसी भी तरह से आपको हानि ना हो, इसलिए मैं हमेशा नए नए वीडियो लाता रहता हूँ। और मेरी कोशिश रहती है कि हर वीडियो को मैं इतना अच्छा बना सकूं जिससे कि आपको फायदा मिले। इसी के संदर्भ में मैंने अपने कमेंट बॉक्स में जो आपने कमेंट किए हैं मेरे विभिन्न वीडियो पर, उनमें जो कुछ क्वेश्चन है वो मैं आज लेकर आया हूं। ये एक ऐसे क्वेश्चन है जिन्होंने सबसे रिलेटेड है और सबको इनके पास बारे में जानकारी होनी चाहिए दोस्तों, तो मैं आज भी लिख कर लाया हूँ। इसमें क्वेश्चन है अधिकतर अतिथि शिक्षकों से लेकर और कुछ मेरी पर्सनल लाइफ से लेकर कि मैं वीडियो कैसे शूट करता हूँ, ये सब लेकर। तो ऐसे आपने क्वेश्चन पूछे हैं तो उनके आंसर मैं जरूर दूंगा इस वीडियो में। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे एक अपील करना चाहता हूँ दोस्तों, संविदा शिक्षक से जुड़े बहुत से चैनल हैं और लास्ट जो मैंने वीडियो डाला था उस पर एक कमेंट आया था, दो तीन वीडियो पर मेरे एक कमेंट आ चुके हैं कि कुछ भाई बहन मेरे जो लिंक हैं वीडियो के वो दूसरे चैनल पर जाकर शेयर कर रहे हैं, यानी कमेंट बॉक्स में वो लिंक दे रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है दोस्तों। आप मुझसे प्यार करते हैं या सम्मान करते हैं तो ये वीडियो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पेज पर या फेसबुक पर शेयर करें, ना कि किसी अनदर चैनल जो कि संविदा शिक्षक से रिलेटेड डाल रहा है वहां पर जाकर आप यदि मेरे वीडियो के लिंक दोगे तो ये अच्छा नहीं है। ये अच्छा नहीं है मेरे चैनल के लिए भी और ये अच्छा नहीं है दूसरे चैनल के लिए भी। तो उन्होंने मुझसे शिकायत की थी कि सर आपके जो व्यूवर्स है वो ऐसा कर रहे हैं, तो मैंने कहा था और उन्हें भी यही रिप्लाई दिया था कि मैं अगला वीडियो बनाऊंगा तो उसमें सभी अपने जो व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, उनसे अपील करूंगा कि प्लीज ऐसा ना करें, क्योंकि ये यूट्यूब के हिसाब से भी ठीक नहीं है और आप मेरी लिंक दूसरे चैनल के वीडियो लिंक पे कमेंट्स में बिल्कुल भी शेयर ना करें। आप यदि दूसरे चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो वहां पर जो कहा जा रहा है उसी के अनुसार आप क्वेश्चन पूछें, ना कि मेरे वीडियो का हवाला दिया जाए या मेरे वीडियो की लिंक शेयर की जाए, तो ऐसा ना करें। इससे होता ये है कि उन्हें भी दिक्कत होती है जो चैनल हैं, क्योंकि ऐसे शिकायत मेरे दो तीन वीडियो पर आई है कि आपके जो लिंक्स हैं वो जान मान कर हमारे चैनल पर डाले जा रहे हैं, जबकि मैंने आपको कहीं भी ये अपील नहीं की है, कहीं भी ये नहीं कहा है कि आप दूसरे चैनल पर जाकर मेरी वीडियो की लिंक शेयर करें। मैं शेयर का मतलब होता है कि आप व्हाट्सएप में शेयर करें मेरी वीडियो को, आप फेसबुक पर शेयर करें, फेसबुक पेज पर शेयर करें, लेकिन ये कहीं ना नहीं मैंने कहा है कि आप दूसरे चैनल पर जाकर शेयर करें। तो ऐसा आप कर रहे हैं तो प्लीज़ इसे बंद कर दें, ये ठीक नहीं है। तो दोस्तों चले हम जो क्वेश्चन आपने पूछे हैं उनके मैं आंसर दूंगा। पहला क्वेश्चन है, अतिथि शिक्षकों के आवेदन कब से होंगे, रामवीर जी ने पूछा है। दोस्तों ये मेरे हर एक वीडियो पर पूछा गया कि अतिथि शिक्षकों के आवेदन कब से शुरू हो रहे हैं। सर आपने बताया कि आवेदन करें लेकिन आवेदन अभी तक शुरू नहीं हुए। प्राप्त जानकारी के अनुसार जुलाई में अतिथि शिक्षकों को रखा जाएगा और उससे पहले ये फॉर्म फिल हो जाएंगे, तो आवेदन आपको जून के लास्ट में मिल सकते हैं, जुलाई में मिल सकते हैं। इसलिए मैंने आपसे बार बार कहा कि एमपी एजुकेशन पोर्टल पर आप लॉगिन कर रहे हैं, जिससे आपको नई नई सूचनाएं मिलती रहें। और दोस्तों इसके बारे में मुझे जैसी जानकारी प्राप्त होगी मैं तो वीडियो लाऊंगा ही। इसमें एक और है कि जिन्होंने लास्ट ईयर इसमें आवेदन किया है या जिन्होंने चॉइस फिलिंग की है, बहुतों के लिए तो स्कूल भी, उन्होंने जैसे मेरे कमेंट बॉक्स में लिखा है कि हमें स्कूल अलॉट हो चुके हैं तो क्या हम जुलाई से ज्वाइन कर लें, तो मैंने उनसे यही कहा कि आप अपने स्कूल के जीएस के केंद्र पर जाकर संपर्क करें, एजुकेशन पोर्टल पर भी आप संपर्क करें, तो आपको इसका सही मार्गदर्शन मिल जाएगा। और जुलाई में चूंकि अध्यापन कार्य शुरू होगा तो जुलाई में आपकी नियुक्ति हो सकती है एज ए गेस्ट टीचर। तो ये चॉइस फिलिंग की भी जो कहा जा रहा है, ये जो आवेदन वो भी इसी सप्ताह में या अगले सप्ताह में मांगे जा सकते हैं, तो इसलिए आप एमपी एजुकेशन पर लॉगिन रहें और जैसी ये लिंक ओपन होगी या आवेदन मांगे जाएंगे मैं आपके सामने वीडियो लेकर आऊँगा। लेकिन जो लास्ट ईयर अपने फॉर्म फिल कर चुके हैं उन्हें इसमें प्राथमिकता दी जा रही है, तो यदि उनसे ही पूरे पद भर दिए गए
तो फिर मुश्किल है कि इस बार आवेदन मांगे जाएं, लेकिन संभावनाएं पूरी हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले, शायद 1 महीने पहले या 1.5 महीने पहले लिंक ओपन होने की बात कही जा रही थी कि इस बार जो हमारे नए व्यूवर्स हैं उनको भी मौका मिलेगा, जो हमारे अभी जिन्होंने डीएड बीएड किया है उन्हें मौका मिल सकता है। तो आप हताश ना हो, एजुकेशन पोर्टल पर देखते रहें और मेरे पास जैसी सूचना आएगी मैं शेयर करूंगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, क्या इस बार जो नए हैं उन्हें चॉइस फिलिंग का मौका मिलेगा? आरटीजी ने पूछा है। जी हाँ बिल्कुल, जो नए फ्रेशर हैं उनके लिए ये लिंक ओपन होगी। अब ये लिंक कब ओपन होती है ये आपको एमपी एजुकेशन पोर्टल से ही पता चलेगा। तो यही आंसर है, दोनों क्वेश्चन एक ही हैं शायद। और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, सर हमारा स्कोर कार्ड ही ओपन नहीं हो रहा है, क्या करें? सीमा जी ने पूछा है। बहुत से दोस्तों का ये है कि हमारा स्कोर कार्ड ओपन नहीं हो रहा है सर, और हम अपनी लॉगिन आईडी लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका बढ़िया, सबसे बढ़िया चीज है कि आप एमपी एजुकेशन पोर्टल पर नीचे लिखा होता है रीस्टार्ट पासवर्ड, यदि आप पासवर्ड गलत डाल रहे हैं या टेक्निकल फॉल्ट के कारण पासवर्ड वो नहीं एक्सेप्ट कर रहा है, तो आप अपना पासवर्ड रीस्टार्ट कर सकते हैं। एक आपके पास जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, जो आपने अपनी आईडी पे मोबाइल रजिस्टर्ड करा रखा है, उस पर एक आपके कोड आएगा, वो कोड डालने के बाद आप न्यू पासवर्ड बना सकते हैं। तो यदि आप अपने पुराने पासवर्ड से लॉग इन नहीं कर पा रहे हैं तो आप नया पासवर्ड भी बना सकते हैं। और इससे जुड़े बहुत सी दिक्कतें लोगों के सामने आ रही हैं, जैसे कि अगला क्वेश्चन है कि हमारा, हम कहाँ पर शिकायत करें इसकी, या हमें कोई प्रॉब्लम आए तो हम कैसे सॉल्व करें। तो आप एजुकेशन पोर्टल पर जैसे ही जाओगे तो वहाँ पर एक टेलीफोन नंबर दिया हुआ है, उस फोन नंबर पर आप जाकर अपनी शिकायतें का समाधान कर सकते हैं दोस्तों, कि हमारा लॉग इन नहीं हो रहा है, हमारा आधार कार्ड गलती से हमने गलत डाल दिया है, या हमने जो सूचना भरी है वो गलती से गलत हो गई है, एक आध नंबर इधर उधर हो गया है। तो वो आपको सही मार्गदर्शन देंगे, इससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। वहाँ पर आपको एक नंबर मिल जाएगा दोस्तों, तो उस पर आप जैसे ही कॉल करेंगे तो डेफिनेटली वो आपको सही राह देंगे। तो उस पर जो है एजुकेशन पोर्टल पर आप जाएंगे तो नीचे एक नंबर डला हुआ है अतिथि शिक्षक की, जहाँ पर आप लॉग इन करते हैं उसके नीचे, तो आप वो नंबर नोट कर लें और उस पर कॉल कर देखें, आपकी जो भी परेशानी हो वो सॉल्व जरूर करेंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, सर आपकी 2011 में इतनी अच्छी रैंकिंग लाए थे, किस तरह और कौन सी बुक्स से पढ़ाई की थी, प्लीज बताएं, प्रियंका जी ने पूछा है। जी हाँ दोस्तों, एक वीडियो में मैंने कहा था कि मध्य 2011 में जो मैंने वर्ग 3 के एग्जाम दिए थे उसमें मध्य प्रदेश में मेरी 559वीं रैंकिंग आई थी, ये मैंने शेयर किया था। चूंकि डीएड बीएड नहीं था तो वो जॉब मुझे नहीं मिल पाई। तो बहुत से दोस्तों ने और बहुत से लोगों ने कहा कि सर आपने किस तरह से पढ़ाई की, कौन से बुक से पढ़ाई की, कैसे नोट्स आपने तैयार किए, इसके बारे में बताएं। चूंकि इस वीडियो में इसके बारे में इसलिए नहीं बताऊंगा कि फिर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, और बहुत से भाई बहन पहले ही शिकायत करते हैं कि सर आपके वीडियो बहुत लंबे होते हैं, तो मैं एक अलग से ही वीडियो बनाऊंगा, हो सकता है आपको उस वीडियो से कुछ लाभ मिल जाए। मैंने कैसे पढ़ाई की थी, कौन सी बुक से पढ़ाई की थी, नोट्स कैसे थे, वो मैं सब आपको बता दूंगा, तो मैं एक अलग से इसके लिए वीडियो बना दूंगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, सर आप हर वीडियो में हेलो बोलते समय अपने पेट पर हाथ क्यों रखते हैं, क्या पेट में कोई परेशानी है, रोहन जी ने पूछा है दोस्तों। अब इसका मैं क्या जवाब दूं, जैसे कि मैं शुरुआत करता हूं तो मैं कहता हूं हेलो दोस्तों, तो उन्हें लगा कि आप पेट पर हाथ क्यों रखते हैं। तो ये मेरी बचपन से आदत है, आपको भी मैं 2 मिनट में इस बात को शेयर करूं तो कहूंगा कि बचपन में क्या हुआ था कि शाखाएं, जैसे सब ज्वाइन करते हैं आरएसएस की शाखाएं हमारे यहाँ पे चलती थी, तो मैं जब छोटा था तो वहाँ पे आरएसएस में ऐसे नमस्कार किया जाता है, सम्मान दिया जाता है, और जो हमारे सर थे वो सिखाते थे कि कैसे आप अच्छे काम करें, अच्छे लोगों की भलाई करें, तो वो हमेशा नमस्ते करते थे, तो ऐसे करते थे नमस्ते। तो मैंने उनसे पूछा सर आप ऐसे नमस्ते क्यों करते हैं, तो कहते हैं कि हर इंसान के अंदर भगवान निवास करता है, और खासकर उसके दिल में निवास करता है भगवान। तो जब हम दिल पर हाथ रख के किसी को प्रणाम करते हैं तो दरअसल हम उसके अंदर बैठे हुए भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। तो मेरे जो व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, आपके अंदर जो भगवान बैठे हैं, आपके हृदय के अंदर विराजमान है, मैं हेलो दोस्तों करके उन्हें प्रणाम करता हूँ। यहाँ से जो आपके अंदर भगवान बैठे हुए हैं मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ, हमेशा अपने हृदय पे हाथ रख के। तो ये कोई बात नहीं है कि मेरे पेट में दर्द है इसलिए मैं ऐसे नमस्कार करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि आपके अंदर एक भगवान का निवास है और वो आपके अंदर बैठे हैं, तो उस भगवान को मैं हमेशा नमस्ते करता हूँ इस तरह से।
अपने दिल पर हाथ रखकर। तो ये मेरी आदत है और हमेशा मैं स्कूल में या किसी भी टीचर्स या किसी को भी नमस्कार करता हूँ तो मैं ऐसे ही करता हूँ। तो ऐसा कोई बात नहीं है मेरे भाई के मेरे पेट में दर्द हो, क्योंकि मैं 2 घंटा सुबह वर्कआउट करता हूँ, 1 घंटा शाम को वर्कआउट करता हूँ, 3 घंटा वर्कआउट करता हूँ। तो ऐसा होना संभव नहीं है कि मेरे कहीं दर्द हो, और मैं पूरा फिट हूँ और फाइन हूँ। आपने ये बात कही और आपको मेरी हेल्थ की चिंता है, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त। और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सर आप बहुत ही गुड लुकिंग हैं, देखते हैं आपको कितने ऑफर आए अब तक, सुनीता जी ने पूछा है। इसका क्या आंसर दूं सुनीता जी? हो सकता है फिर ऐसा तो कुछ नहीं है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। और ऑफर मुझे समझ में नहीं आया आपने किस वे में ये बात पूछी है, और ऐसा कुछ है नहीं है। चूंकि आप कह रहे हो तो होगा, या फिर आप मुझे अप्रैल फूल बना रहे हो, तो अभी तो अप्रैल निकल चुका है, 1 अप्रैल को बनाते तो अच्छा भी रहता। इसका कोई आंसर नहीं है कितने ऑफर मैंने किया। खैर बहरहाल दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन थे आपके, और ऐसा कुछ नहीं है। और इससे रिलेटेड, मेरे वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आपके मन में तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपको यदि 1% भी इससे फायदा मिला है तो इसे लाइक जरूर करें। अभी तक जिन भाई बहनों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। और मैं अक्सर ऐसे नए नए वीडियो लाता रहता हूँ, मैं नई सूचनाएं इसलिए लाता रहता हूँ कि जिससे कि आप सूचनाओं से अपडेट रहें। अतिथि शिक्षकों के ऊपर ये मुझे वीडियो बनाना था और आपके काफ़ी क्वेश्चन थे तो ये उसके जवाब थे। आप MP एजुकेशन पोर्टल पर लॉग इन रहें, वहाँ पर नई नई सूचनाएं आती रहती हैं अतिथि शिक्षकों की भर्ती से लेकर, और मेरे पास सूचना आएगी तो मैं आपसे शेयर करूँगा ही। तो प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे शेयर करें, अपने व्हाट्सएप पर शेयर करें, फेसबुक पर शेयर करें, फेसबुक पेज पर शेयर करें, ट्विटर पर भी शेयर कर सकते हैं, लेकिन किसी भी चैनल के कमेंट बॉक्स में शेयर ना करें। आपने वीडियो यहाँ तक देखा उसके लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों।